हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गए हम फिर से एक और बार एक नई वीडियो के साथ। काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद, नहीं काफी महीने के बाद, एक महीना तो हो गया, नहीं अभी इतना भी नहीं हुआ है। खैर, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको बताएगा अजीज है। तो वो भी बताने का सीन है ही नहीं। वैसे टाइटल में, सब टाइटल में तो पढ़ चुके होंगे ना, क्या टाइटल बोल देना। टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बस अजीज ने कहा कि मैं लेके जाऊंगी आपको, करते हैं स्टार्ट और वहाँ चलते स्टार्ट तो हो गई है ना, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पहले स्टार्ट हो गई है। ओके ठीक है, अब हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ चलते हैं, पहले देखते हैं क्या। गैस तो करो कौन सी जगह है। खराब है, पहली बात तो ये, मुझसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा आज। आज आपको अलीजे नहीं प्रॉपर रही कुछ, अगर आप, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ लंबी लंबी बातें करो। गैस करो जाकर कहाँ जा सकते। मैंने तो दो तीन जगह कल गैस की थी, इसलिए मैं वो नहीं, अब मुझे नहीं पता, मैं और गैस नहीं कर रही। अब हम वहाँ जाके देखेंगे क्या जगह है, आपका सरप्राइज, आपकी चीज़ें। तो वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या सीन है। तो वहाँ चल के बात करते हैं। कौन कौन सी चटनी है? ये रायता है, गार्लिक सॉस, केवी का अचार, ये क्या है, संबारा, अलविन मुझे बताओ ये जो इतना बड़ा जो इनका मेन्यू है ये तुम खत्म कर पाओगे? हाँ, ट्राई करेंगे। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद, सब्जियाँ वगैरह, तो जो मैं नहीं खा सकता वो तुम खा लेना। ओके ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। एक और एक पाकिस्तान का मैच है भाई। हाँ तो तुम मैच देख के दिखाओ ना। तुम्हें पसंद है ढोकला? वैसे ये होती खमर ढोकली, मुझे पता है, बट नहीं बोले ये रॉन्ग है, ये होती खमर ढोकली। ढोकले होते गोल वाले, बिकॉज आई एम गुजराती, सो आई नो दिस इज खमर ढोकली। पहले मुझे बताते थे तो गुजराती हो, तो मैं गलती नहीं कर रहा। और तुम कौन हो? तुम भी गुजराती हो? ओके ब्रिटिश। चलो जल्दी से ये खा, तो चार खाता खा। सच में एक ही बंदे के लिए, एक बंदा इतना खा सकता है, मुझे तो लगता है तुम खा सकते हो, मैं नहीं खा सकती। क्या ये? दाल है। गुजराती हमारे घर में रेसिपी होती है।
आलू फ्राई जी, आलू फ्राई आया छाछ वो पसंद है इसलिए। हाँ ऑब्वियसली मुझे लगता है ये एक में से हम दोनों खाएंगे उसके बाद ही बच जाएगा। मैं तो खा लो खा ली शॉर। क्या खा रही हो पहले? ढोकली रेड सॉस कहाँ गए तुम्हारी? अच्छी है क्या है? चलो भी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रही हो? आलू अभी क्या कर रही हो? भूल गया मैं। रुको एक मिनट, वापस 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 लो, मैंने मुँह का नहीं बनाई, सॉरी ले लो। क्या ही है ना ये फेस रिएक्शन से पता चल रहा है इतनी अच्छी है ये कड़ी। इसके फेस से पता चल रहा है कि ये कड़ी एकदम माइंड ब्लोइंग डिलीशियस है। तुम जाली गुजराती हो ना, जाली में ये क्या खा रही हो? स्वीट जब भी तो स्वीट होते हैं तुम्हारी तरह। पालक पनीर यस और सोस एक मिनट एक मिनट। क्या खा रही हो? मिक्स सब्जी क्या हो गया? चने चने जैसा है, स्वीट है। और ये सबसे अच्छा क्या लगा? चले फिर ये खाना खा ले, फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह। ओके सो अब हम आ चुके खाना वगैरह खा के, तो अभी जो रिव्यू जो है वो अलीजन आज आपको प्रॉपर देगा क्योंकि मेरा गले की। सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, ये होता है प्रॉपर सरप्राइज, नई जगह जाना, नई चीज डिस्कवर करना। अच्छा
ओके सो अब हम आ चुके हैं वापस खाने वगैरह खा के। तो आज का जो रिव्यू है प्रॉपर वो आपको आज रीज़न देगा, क्योंकि मेरे गले की जो है वो बैंड बजी हुई है, मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा। तो अब आप बताओ खाना कैसा था, जगह कैसी थी, क्या जगह तो छोटी सी थी, मतलब इतनी कंजेस्टेड नहीं थी, मतलब नॉर्मल साफ से कंफर्टेबल माहौल था, अच्छा माहौल था। और बात करें खाने की, तो मैं बेसिकली मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता, तो उसमें आपने देखा होगा 6-7 आइटम्स थी अलग अलग, तो उसमें से मैंने रिफिल भी करा था। चीज़ें बहुत अच्छी थी, अगर कोई जो हो ना जिसको बहुत खाने का शौक़ हो, मतलब देखो अगर चीज़ें देखा जाए ना तो अच्छी अच्छी थी और ज़्यादा ज़्यादा थी, मतलब जैसे कि पर पर्सन कुछ 1000 रुपीज़ आता है पर है, 2500 मगर टैक्स वैक्स मिला के ना, तो मतलब इस तरह हम दो बंदों का बिल आया 2500। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मगर बात तो पहले तो उसकी बात करो ना, तो फिर नहीं ना, बट एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया, क्योंकि वो ऑलरेडी निकाल के आपको देखते हैं, क्योंकि वो एक थाली सिस्टम है ना, जैसे कड़ी दाल ये तो हमने खाई नहीं हुई, गुजराती के लिए कड़ी जो होती है वो मीठी होती है, जो मुझे नहीं पता था, और आसे वाले हमने कभी ट्राई नहीं किया। वो जो चिकन का सालन था वो बहुत अच्छा था, वो अच्छा था, पूछने वाला वो भी मेरा बच गया, चाट बहुत अच्छी थी, सिर्फ आलू बहुत अच्छा था, पूरे खत्म हुए थे, और बाकी मेरा सब कुछ बच गया, चावल बहुत अच्छे थे, चटनियाँ अच्छी थी, एक उसकी चटनी। बेसिकली मतलब ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ वेस्ट जो तुम बोल रहे हो वेस्टेज वगैरह वो तो होती है, वो मतलब नहीं करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ऐसा है कि अगर आप खा सकते हो अच्छे खाने वालों को तो फिर जरूर जाओ, और कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें थी। चिकन में तो एक आइटम होती है, आप उसको रिफिल करवा सकते हो जितना जितनी बार चाहो उतनी बार रिफिल करवा सकते हो। आई थिंक कोई डेजर्ट भी था, बट हमें पता नहीं कि उन्होंने डेजर्ट नहीं किया था, खाना बच गया था, एक्सपीरियंस था वो लाइक 7 नहीं, न्यू था, अच्छा था, मतलब एक वन टाइम तो जाना चाहिए हर किसी को। हाँ जाना चाहिए, पर मुझे लगता है ज़्यादा लोग ना, तो क्या है कि आपको खाना कम से कम आई थिंक टेस्ट हो, ऐसा फील होता है कि ज़्यादा लोग होते तो क्या होता है, कोई एक चीज़ किसी को बहुत पसंद हो तो वो बजाय अगर आप साथ में हो फैमिली हो तो बजाय उसको रेफर करवाने से आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, तो उससे आपकी वेस्टेज कम होगी। मेरा सिर्फ यही कंसर्न था, बाकी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था खाना। एक और प्रॉब्लम थी कैश, हाँ कार्ड नहीं, कार्ड एक्सेप्ट नहीं था और हमारे पास कैश भी नहीं, हमारा कैश भी था बट ATM नज़दीक में था, पर जाके जो है वो हमारा काम तो हो गया, बट इन शॉर्ट वहाँ पे जो है वो कार्ड नहीं होता एक्सेप्ट। तो हमने काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाई और हम नई जगह गए, तो ना बाबू कैसा लगा? मुझे तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ काफ़ी एक हफ्ते से, शादी होती है ना उनको बहुत नज़र लगी है, बहुत नज़रें लगी है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और इंशाल्लाह हम वापस रेगुलर होंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह।